वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक जामगन, आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस अध्याय के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है निमोनिया। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे निमोनिया के बारे में कि वो निमोनिया वो क्यों होता है, उसमें कौन से बैक्टीरिया के द्वारा वो होते हैं एवं उसमें उसका लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको भी अभी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो है एक कॉमन सा डिसीज हो गया है, कॉमन सा हो गया है, मतलब सामान्य हो गया है, क्योंकि ये हर तीसरे चौथे आदमी को ये जो है होता रहता है। ठीक है, और आए दिन इसमें सुनने को आता है कि इसमें निमोनिया और अधिकतर जो होते हैं आपके बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रकोप होता है। तो अधिकतर सुनने को मिलता है कि निमोनिया वाले बच्चे हैं ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ निमोनिया, जिसमें आपका स्टार्टिंग में पी लिखा है, तो पी इसमें साइलेंट है, बेचारा चुपचाप है, कुछ उसका काम नहीं है, उच्चारण उसका नहीं हो रहा है। उच्चारण कहाँ से हो रहा है, निमोनिया से हो रहा है, लेकिन ये इसको हमको लिखना जरूरी है, पी उसका साइलेंट अक्षर है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसमें कॉज्ड बाय, मतलब इसके द्वारा ये होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एवं एक और नाम है फिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा ये होते हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला होता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो दो हमारे पास बैक्टीरिया है, दोनों में से किसी एक के द्वारा इसमें क्या होगा, निमोनिया रोग जो है इसमें होता है। अब यहाँ पर इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस का अर्थ क्या होगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस का अर्थ है, यहाँ पर देखिए ये कोकस का अर्थ होता है गोलाकृति का, कोकस का अर्थ होता है गोलाकृति का। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी गोलाकृति के होते हैं उसको कोकस कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बोला गया है तो इसकी गोल आकृति होने के कारण, बैक्टीरिया का जो आकृति है वो गोल होने के कारण इसको कोकस कहते हैं। और ये निमोनिया है तो यहाँ पर आपका किससे है, निमोनिया से इसको लिया गया, मतलब जीवाणु से इसका नाम को लिया गया है निमोनिया करके। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा जो है होता है। ठीक, समझ गए इतना। फिर उसके बाद देखते हैं इसका इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, तो बोलता है इट इफेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़े पर होने वाला ये डिसीज होता है। आपको याद रखना है निमोनिया कहाँ पर इसका असर होता है, तो फेफड़े पर होते हैं। ठीक है, तो इसका असर जो है आपका फेफड़े पर देखने को मिलता है। और फेफड़े के कौन सा लें भाग पर, एल्वियोलाई, फेफड़े के कौन सा भाग पर, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का अर्थ होता है एक सैक लाइक या एक फुग्गनुमा स्ट्रक्चर, फुग्गनुमा स्ट्रक्चर जिसमें हवा का जो है, यानी हवा नहीं बोल सकते, गैसेस का इसमें आदान और प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान इसमें होता है। इसके बीच होगा आपके एल्वियोलाई एवं जो है ब्लड के वेसल्स, एल्वियोलाई एवं ब्लड के वेसल्स के बीच इसमें गैसों का आदान और प्रदान इसमें होते हैं। एल्वियोलाई को हिंदी में बोला जाता है कूपिकाएं या कूपिका। ठीक है, तो कूपिकाओं से इसमें क्या होगा, गैसों का आदान और प्रदान इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू इसमें शो किए हैं, ये हमारा एल्वियोलाई है, ये देखिए यहाँ पर, और नीचे को जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में जो बनाया है वो हमारा ब्लड के वेसल्स है। ठीक है, ब्लड के वेसल्स में क्या है हमारे पास, इसमें भी ब्लड रहते हैं लेकिन वो कैसा भी अनऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन की नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें नहीं है, इसलिए जो है वो ऑक्सीजन विहीन रक्त इसमें है। ठीक है, तो इसमें CO2 भी रहेंगे। और ये हमारा एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में ब्रीथिंग के द्वारा, सांस लेने के द्वारा क्या लिया हमने, हवा को, यानी कि यहाँ से जो हमारा गैस है ऑक्सीजन गैस उसको हमने लिए हैं, ऑक्सीजन गैस को लिए हैं। तो ऑक्सीजन गैस क्या होगा, इसके अंदर में आया है एल्वियोलाई के अंदर में, फिर क्या होगा, यहाँ ट्रांसप्लांट होते हैं, यहाँ पर जो है इसका दोनों जो लेयर होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और इसका जो सीधा सा ये जो O2 गैस है उसका यहाँ पर ऐसा ट्रांसप्लांट इसमें होता है, जिसके बाद जो अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदल जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था,
है ना। अब जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ट्रांसफर होने पर वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड में चेंज हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उस वाले ब्लड का रंग थोड़ा सा कैसा होता है, ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता है ब्लू कलर मतलब नीले कलर का होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो गहरे लाल कलर के हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपने धमनी और शिराओं में, तो धमनी जो है ऊपरी भाग में रहता है हल्का हमको जो है नीला टाइप का दिखाई देता है, तो नीला होने का कारण ये है कि जो वहाँ पर ब्लड है वो अनऑक्सीजनेटेड है, मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त होने के कारण हमको वो दिखाई देता है, ठीक है। तो यहीं पर क्या होगा, इसका ट्रांसप्लांट होंगे, यानी कि जो O2 गैस है आपका कहाँ पर जाएंगे, ब्लड के वेसल्स में जाएंगे, और इस CO2 गैस जो है कहाँ पर जाएगा, इस एल्वियोलाई फिर से ट्रांसफर होगा, और ये जो है उसको ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, उसके द्वारा इसको जो है बाहर इसमें छोड़ दिया जाएगा। जैसे सांस लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है, तो फेफड़े से ही हवा अंदर बाहर हो रहा है, तो यहीं से आपका CO2 गैस जो है इसमें से बाहर होकर वो बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर इसमें निकल जाएंगे। तो यहीं पर उसका गैसों का क्या होता है, यहीं पर आदान और प्रदान जो इसमें चलता है, ठीक है। तो इसका कहाँ पर होता है, इसी जो एल्वियोलाई होता है, लंग्स का जो एल्वियोलाई होता है इस पर इसका इफेक्ट है वो होता है। अब इफेक्ट क्यों होगा इसको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं, तो इसका रहता है 1 से 3 दिन में। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ होता है कि वो लक्षण जो है मतलब निमोनिया का लक्षण हमको कब दिखाई देगा या कितने दिन में हमको दिखाई वो देंगे। जैसे कि कोई पर्सन है उसमें निमोनिया का अफेक्ट हो गया, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वहाँ पर उसको बैक्टीरिया उसके अंदर घुस गया है, उसके लंग्स में चला गया है, तो वो कितने दिन बाद उसका लक्षण हमको शो होगा, तो 1 से 3 दिन में उसका लक्षण जो हमको शो होकर दिखेगा। उसके बाद हम उसको बोल पाएंगे कि इस पर्सन को क्या है, निमोनिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है आपका बॉडी ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ठीक है, बॉडी ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, जो हमारा बॉडी है ग्रे कलर में है, तो धीरे धीरे कैसे होने लगता है वो ब्लूइश होना शुरू होते हैं। ब्लूइश का अर्थ ये है कि उसमें धीरे धीरे वो नीला कलर में होना शुरू होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण इसमें वो देखने को हमको मिलता है कि उसका बॉडी धीरे धीरे जो है वो नीला पड़ना शुरू होता है या ब्लूइश में होना शुरू होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसका इफेक्ट हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में किस तरह से होता है इसको देखेंगे। और आप लोगों ने कई बार ऐसा सुने होंगे कि फेफड़े में लंग्स में पानी भर गया है, ऐसा बोलते हैं निमोनिया के कारण पानी भर गया है करके आपने सुने होंगे, तो क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो यह देखिए, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये ऑक्सीजन वाला काम तो अपना हो गया, बस मैं अच्छा से बना देते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं उसमें पानी या जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो किस तरह से उसका इफेक्ट होता है। तो ये हमारा एल्वियोलाई है, ये हमारा एल्वियोलाई है, तो इस एल्वियोलाई पर स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है आकर चिपक जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर में, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें जो है वो जगह जगह पर जाकर कैसे हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, कुछ इस तरह से ऐसा कुछ ऐसा इसमें जो है वो फिट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ऐसा। अब क्या करेगा, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये यहाँ पर यहाँ कर आकर चिपक गया, चिपकने के बाद क्या करेगा, यहाँ से टॉक्सिक रिलीज करेगा। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला लिक्विड, उसका जहरीला पदार्थ वहाँ से रिलीज करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से रिलीज करना शुरू करेंगे। अब रिलीज होने के कारण क्या होगा, जो एल्वियोलाई का जो सेल है वो धीरे धीरे जो है वो टूटता जाएगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू होंगे, ठीक है। तो किसका सेल, इस एल्वियोलाई का जो सेल रहेंगे सेल, ठीक है, एल्वियोलाई का जो सेल रहेगा कैसा होगा, यहाँ पर टूटेगा, क्या होगा, टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा, वो टूटेगा, टूटने से क्या होगा, यहाँ से आपका जो है टूटने से ये जो है क्या निकलेगा, यहाँ से म्यूकस, क्या निकलेगा, यहाँ से म्यूकस का इसमें सिक्रेशन होगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, एल्वियोलाई,
अब इस एल्वियोलाई के अंदर जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके थ्रू क्या निकलना शुरू हुआ, टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ निकलना शुरू हुए, जिसके कारण से इसके एल्वियोलाई का जो सेल है वो कैसा हुआ, टूटना शुरू हुआ, या इसको ब्रेक भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ, है ना। तो इसमें ब्रेक डाउन इसमें होना जो है वो शुरू हो गया, ठीक है, ब्रेक डाउन होना शुरू हुए। अब ब्रेक डाउन होने से हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में जो सेल है टूटता है तो टूटने के बाद वहां से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, क्या निकलता है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, जैसे जेली लाइक जो है, जेली थोड़ा सा पतला एवं म्यूकस जो है चिपचिपा सा एकदम जो है द्रव होता है, जो कि क्या होगा निकलना यहाँ से शुरू करेगा। तो ये जो इसके सेल है, एल्वियोलाई का जो सेल है, एल्वियोलाई के सेल से म्यूकस का सिक्रेशन होना शुरू हो जाएंगे, लगातार वहां से निकलना शुरू करेगा। अब निकलेगा तो क्या होगा, यहीं पर रिलीज होगा, यहीं पर रिलीज करेंगे पूरा म्यूकस को, ऐसा यहीं पर रिलीज करेंगे, सेल जो है टूट टूट कर रिलीज करेगा म्यूकस को ऐसा, जिसके कारण से म्यूकस यहीं पर जमा हो जाता है, जिसके कारण से म्यूकस यहाँ पर कहा जाएगा जमा हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो म्यूकस का हमारे पास जमाव देखने को हमको मिलेगा, ये पूरा म्यूकस का है। तो म्यूकस यहाँ टूट टूट कर भी इधर इकट्ठा होंगे, जिसके कारण से जो एल्वियोलाई है वो जो है उसमें म्यूकस का जो है द्रव फील हो जाता है या भर जाते हैं, और उसी को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं क्या, पानी भरना, लंग्स में पानी या फेफड़े में पानी भर जाना के नाम से इसको जानते हैं। तो क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके थ्रू क्या निकला, टॉक्सिक, और उस टॉक्सिक ने जो सेल था एल्वियोलाई का सेल है उसको ब्रेक किया, तोड़ दिया, तोड़ने के कारण वहां से क्या निकला, म्यूकस का सिक्रेशन हुआ, ये म्यूकस निकले और म्यूकस यहाँ पर आकर भर गया, जो हमको बोलते हैं लंग्स में पानी भर जाना। और इसको जो है छेद करके आपके जब ऑपरेशन इसका करते हैं, इसको छेद करके यहाँ से पाइप के थ्रू उसको जो है बाहर निकाला जाता है। अब इसमें क्या होगा आगे, अब इसको देखते हैं लक्षण क्या होगा आगे, अब देखते हैं इसका लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में हमको जो है दिक्कतें होंगे। अब दिक्कत क्यों होगा, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से क्या आ रहा था, ओ2 गैस आ रहा था, और यहाँ से CO2 गैस जो है इसमें बाहर जा रहा था, तो यहाँ पर पानी भर जाने के कारण यहीं पर गैसों का आदान और प्रदान जो है वो नहीं हो पाएंगे। गैस को क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हमारे O2 गैस था वो कहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था ब्लड के वेसल्स में, और CO2 को एल्वियोलाई वापस जाना था, लेकिन वहीं पर पानी भर जाने के कारण इसका मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। और इसी के कारण उसका बॉडी कैसा होगा, ग्रेड टू ब्रूइस भी होगा, ठीक है, यही के कारण जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर RBC जो है आपका रेड होने के बजाय थोड़ा सा ब्लू होना शुरू होते हैं, ब्लू कलर में आ जाते हैं, जिसके कारण से यहीं पर वो उसका बॉडी ब्लूइस हमको दिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं कफिंग, ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें कफिंग, कफ होंगे मतलब खांसी के साथ इसमें थूक आना जो है इसमें शुरू होंगे, कफिंग होगा। साथ ही साथ बोलता है शार्प चेस्ट पेन, शार्प चेस्ट पेन, डीप ब्रीथिंग, अगर हम गहरी सांस लेते हैं, अगर गहरी सांस अगर ले रहे हैं तो हमको शार्प यानी कि बहुत ज्यादा सा अचानक से उसमें हमको दर्द होगा, हमारे सीने में बहुत ज्यादा इसमें दर्द होगा, क्योंकि जब जोर से हम या अचानक से उसमें सांस लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएंगी एल्वियोलाई में, लेकिन यहाँ पर तो पानी भरा है जो कि आपका CO2 जो है यहाँ ट्रांसप्लांट और O2 का ट्रांसप्लांट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से हमको जो है वो पेन करेगा, क्योंकि हवा जब भरेंगे तो हवा अब भरेगा तो उसका जो एरिया है वो फैलेगा, एरिया जो है वो फैलेगा, तो फैलने के कारण इसमें हवा का जो एक्सचेंज होना चाहिए था लेकिन एक्सचेंज तो नहीं हो पा रहा है, गैसेस का एक्सचेंज तो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से उसमें हमको चेस्ट पेन जो है हमको देखने को मिलेगा। मैं बार बार हवा का उच्चारण हो जाता है लेकिन वो गैस है, ठीक है, तो गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें फीवर, उसके बाद आता है इसमें सडनली कूलिंग ऑफ बॉडी। अब देखते हैं इसमें फीवर, फीवर आया मतलब आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है या कोई ना कोई रोग आपको हुआ है, ठीक है। तो फीवर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी के द्वारा हमको डिसाइड हो जाता है, प्राइमरी रूप से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्सन को क्या हुआ होगा, ठीक है। अब बोलता है सडनली कूलिंग ऑफ बॉडी, निमोनिया में जो है बॉडी अचानक से ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, अचानक से ठंडा पड़ जाएंगे और अचानक से वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है निमोनिया के जो पेशेंट होते हैं उनको पानी वगैरह से थोड़ा सा दूर रखा जाता है,
खास तौर पर जो ठंडे पानी होते हैं या जो नहाने वगैरह में ज़्यादा टाइम तक उसको नहाने भी नहीं देते हैं, तो क्यों होता है? इसी कारण से कूलिंग ऑफ द बॉडी होते हैं एवं जो है उसका चेस्ट पेन या उसमें अगर फेफड़े के में फिर से हवा अगर पानी वहाँ पर जा रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको जो है पानी वगैरह से ज़्यादा दूर रखा जाता है। फिर आता है इसमें एब्डोमिनल स्वेलिंग। एब्डोमिनल स्वेलिंग आपका जो एब्डोमिनल रीजन है, स्टमक के जो नीचे का रीजन है वो कैसा होगा? स्वेलिंग इसमें देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। फिर इसका देखते हैं ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या है। तो इसके उपचार के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो देखते हैं इसमें एरिथ्रोमाइसिन रहता है, एरिथ्रोमाइसिन का प्रयोग इसमें किया जाता है एवं जो है आपका टेट्रासाइक्लिन का भी इसमें प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ आपका सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो तीन हमारे पास एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है किसमें? निमोनिया के रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या अगर किसी को हो गया है तो उसके बचाव के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर किसी इंसान में वो ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो यहीं से उसके एल्वियोलाई में पाइप लगाकर, यहाँ से ऐसा पाइप को इसमें लगाकर जो उसको जो यहाँ लिक्विड है म्यूकस उसको बाहर निकाला जाता है और बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है, ताकि म्यूकस का फिर से सिक्रेशन ना हो। ठीक, आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।